हमसे ऑनलाइन परचेजिंग करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए जो है ना शरायत हमने बदल दी हैं, आप लोग इनको नोट फरमा लें, आइंदा इन्हीं शरायत पर आपको चीज़ मिला करेगी, वरना आपको खुद फिज़िकली शाहजी मोबाइल्स G4 गुरु बाज़ार ननकाना साहब को विज़िट करना पड़ेगा। शरायत ये है कि अगर आप हमारे टिकटॉक अकाउंट पे को मोबाइल पसंद करते हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वेरीफाई हो जाता है कि उसका स्टॉक मौजूद है, तो आपके लिए ज़रूरी शरायत ये है कि सबसे पहले आपने जिस भी बैंक अकाउंट नंबर से जायज़ कैश से या इजी पैसा से हमारे शाहजी मोबाइल्स के जो कंपनी अकाउंट है मिज़ान बैंक का, उसमें पेमेंट अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है तो पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है। तो आपको यकीन होना चाहिए कि वो अकाउंट होल्डर आप खुद हैं और वो आपका अपना है, और आपने फिर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जिस पर आपने वो बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है उसकी फ्रंट और बैक तस्वीर खींच के, कंप्यूटराइज या स्केच नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, तस्वीर खींच के आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है, फिर ही आपकी अगली कार्रवाई शुरू होगी। अगर आप अपने आप को वेरीफाई करवा लेते हैं कि भी बैंक अकाउंट नंबर भी आपका है और शनाख्ती कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सेम है, तो फिर आपने अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से जिससे आप जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेजिंग कर रहे हैं, तो आपने फिर क्या करना है, अपना एक ही मैसेज आपने टाइप करना है, उसमें सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है जिस पे आप चाहते हैं कि आपका पार्सल लगाया जाए, और उसके एंड पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और सबसे उसके नीचे आपने ये लिखना है कि आपने हमसे क्या परचेज़ किया है, किस रंग में परचेज़ किया है वगैरह वगैरह। ये एक ही मैसेज बना के जब आप हमें व्हाट्सएप करते हैं फिर आपके पार्सल की कार्रवाई शुरू होती है, और ये एक मैसेज हमारे डिलीवरी वाले ग्रुप में चला जाता है जिससे जो डिलीवरी वाले हमारे लड़के हैं उनको रहनुमाई मिलती है कि भाई ये चीज़ें पार्सल करनी है, फिर ही आपका पार्सल लगता है। और ये सब काम आपने 5 बजे से पहले करने होते हैं, क्योंकि ननकाना साहब में मैं फिर बता दूं यहाँ पर जो कोरियर सर्विस है वो 5:30-6 बजे बंद करके चले जाते हैं, छोटा सिटी है, तो उससे पहले आप करेंगे तो आपका पार्सल उस दिन लगेगा, वरना फिर आपका नेक्स्ट डे लगेगा। तो पार्सल का ये है कि जो पंजाब है उसमें तो 24 घंटे बाद पहुँच जाता है, लेकिन दीगर सूबों में समटाइम 48 घंटे भी लग जाते हैं। और मैं आखिर में ऐड करता चलूं कि आप लोगों को डिस्प्ले, जो फ़ोन का डिस्प्ले है उसका बैकअप नहीं मिलता है, उसके अलावा आप लोगों को 7 दिन का बैकअप दिया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए फ़ोन का डिस्प्ले जिसकी गारंटी नहीं होती है, वो फ़ोन हमारे तक बिल्कुल खैरियत से पहुँचाना, उसको पार्सल जिस तरह आपको केयरफुली मिलता है उसी तरह उसको केयरफुली पैक करके हम तक पहुँचाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है।